हम लोग क्वेश्चन करेंगे एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी वोल्ट इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.27 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 नैनोमीटर द पोटेंशियल डिफरेंस इज कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये आया है नीट 2020 में फेज फर्स्ट में ओके तो हमें गिवन यहां पे क्या है हमें गिवन है वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 into 10 to the power minus 2 nanometer. Okay? अब nanometer दिया गया है इसको meter. 1 nanometer कितने के बराबर होता है? 1 nm होता है. 10 to the power minus 9 meter के बराबर. Okay? तो lambda is equals to 1.227 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 9 meter. Okay? तो lambda हो जाएगा 1.227 into 10 to the power minus 11 meter. अब हमें formula कौन सा निकालना है? हमें potential difference पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m या ये वाला लेना तो ये वाला लगाओ लैम्डा इक्वल्स टू अंडर रूट 150 अपॉन v और इसी को लिख सकते हैं 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम ये भी एंगस्ट्रॉम में होता है ओके अब ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी और ये एंगस्ट्रॉम में हो गया वी को इधर ले आए अंडर रूट वी इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 वन एंगस्ट्रॉम होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर अपॉन ये लैम्डा आएगा नीचे लैम्डा की वैल्यू रखेंगे अंडर रूट बी इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है 1.227 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 ओके अब यहां देखो कितने के बाद डेसिमल है 3 के बाद यहां कितने के बाद है 2 के बाद यहां से डेसिमल हटाएंगे ये और यहां 0 बढ़ा देंगे अब यहां क्या बचेगा 10 बचेगा ना तो ये अंडर रूट वी इज इक्वल टू 10 इंटू ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 प्लस का 11 ओके अंडर रूट वी इज इक्वल टू 10 इंटू 10 बचेगा क्योंकि यहां का एक प्लस तो 10 इंटू 10 ये 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं अंडर रूट वी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे वी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 ये ऑप्शन कौन सा हमारा सही ऑप्शन नंबर सी सही है अगर अगर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा है अगर प्रोटॉन के बारे में कह देता तो कौन सा फॉर्मूला लगता लैम्डा इज इक्वल टू 0.286 अपॉन अंडर रूट वी ओके और प्रोटॉन हो गया अगर ड्यूट्रॉन के बारे में कहता तो ड्यूट्रॉन के बारे में तो कौन सा फॉर्मूला लगता लैम्डा इज इक्वल टू 0.202 अपॉन अंडर रूट वी अगर अल्फा पार्टिकल के बारे में कह देता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते यहां पे अल्फा पार्टिकल के बारे में कहता तो हम लोग फॉर्मूला लगाते इसी का आधा 1.0.101 अपॉन अंडर रूट V, okay? और न्यूट्रॉन के बारे में कहता तो न्यूट्रॉन के बारे में कहता तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू ऊपर वाला ही 0.286 अपान यहां काइनेटिक एनर्जी रखते और किसमें रखते इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ओके और अगर किसी गैस मॉलिक्यूल गैस के बारे में कहता गैस मॉलिक्यूल के बारे में तो कौन सा फॉर्मूला लगाते लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 mkt ओके यहां पे क्या क्या है के है बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट ओके और टी क्या है एब्सोल्यूट टेंपरेचर ओके ये क्लियर हो गया सारी चीजें ओके द वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ of light that can cause photon emission from the substance approximately कौन सा ऑप्शन सही होगा 310 नैनोमीटर 3100 नैनोमीटर 966 नैनोमीटर या फोर्थ ऑप्शन है 31 नैनोमीटर नीट 2019 में आया है तो इसका हम लोग आंसर निकालते हैं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क फंक्शन का एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू W प्लस KMX ये आइंस्टीन की इक्वेशन है अब यहां से KMX निकालो तो KMX अगर हमें निकालना है तो W को इधर लाएंगे W क्या है यहां W है वर्क फंक्शन ओके तो यहां से KMX की वैल्यू KMX इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस W लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि मैक्स K
के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो जाए, तो जिस पे जीरो होती है उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, अब ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इससे नीचे ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना होगा, इससे ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना नहीं होगा, तो यही मैक्सिमम वेवलेंथ कहलाती है जिसपे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एमिशन रुक जाए। ओके, तो यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, तो लैम्डा की वैल्यू रखें डब्ल्यू अपॉन एच सी, सॉरी लैम्डा की वैल्यू रखें एच सी बाई डब्ल्यू, यहां पे रखो, देखो एच सी की वैल्यू रखेंगे तो यहां एच सी और ये डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, एच सी से एच सी कट जाएगा, तो इस वेवलेंथ को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और यही पूछा गया है क्वेश्चन में। ओके, ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है, इससे ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना नहीं होगा, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। अब यहां से एच पता है, सी पता है, डब्ल्यू पता है, डब्ल्यू क्या दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में करेंगे, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यू यहां पे पुट करें तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू, एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन, डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू है 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इस पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा। ओके, अब यहां से 2 ये हो गया, ये 33 हो गया, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 जा, और इसको 2 से करेंगे 2 3 जा, 2 3 जा, 33 आया पावर, देखो 19 ये 8 ये 27 हुआ, तो 33 अपॉन 16 टू जा 32, 32 और ये 3 है तो इसको मल्टीप्लाई में 3 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा 19 और 8 27, 34 में से 27 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 7, 33 जा 9, तो ये हो जाएगा 99 बाई 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 32 डिवाइड बाई 99 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स 96 बचा 3, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, अब ये जाएगा नहीं जाएगा तो एक और जीरो बढ़ाओ। ओके, अब यहां एक पॉइंट लगा है तो जीरो बढ़ा सकते हैं, कितना टाइम जाएगा 9 टाइम्स। ओके, तो 9 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 288 मतलब 12 आया, और अप्रोक्सीमेट निकालना है तो हम लोग 309 लिख सकते हैं, यहां पे 3.09 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, ये पॉइंट जब इधर जाएगा तो पावर बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 309 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ओके, तो इसको नैनोमीटर लिख सकते हैं, 309 इंटू नैनोमीटर, अच्छा ये तो ऑप्शन में है नहीं तो इसके नियर अबाउट में कौन है, 310 है तो इसको अप्रोक्सीमेट अगर हम लिखेंगे तो 310 नैनोमीटर लिख सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ सेम एनर्जी, एनर्जी कैसी है, सेम है बोथ की, द डी ब्रोगली वेवलेंथ वेवलेंथ लैम्डा पी, प्रोटॉन के लिए लैम्डा पी और अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा लैम्डा अल्फा, आर इन द रेशियो, कौन से रेशियो में होंगे, तो हम लोग जानते हैं वेवलेंथ का फार्मूला एच अपॉन अंडर रूट 2mk, के क्या है एनर्जी, ओके काइनेटिक एनर्जी, समझ गए, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, अब अल्फा पार्टिकल के लिए सेम एनर्जी है तो लेमडा, प्रोटॉन के लिए अगर हम लिखेंगे लेमडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2mp मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी, सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल के लिए लिखेंगे एच अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा इनटू के, अब इन दोनों का रेशियो ले लें तो रेशियो लेंगे तो क्या लिखेंगे लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा, तो लेमडा पी के लिए लिखेंगे तो एच अपॉन अंडर रूट 2mp इंटू के इंटू एच अपॉन लेमडा अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा 2m अल्फा इंटू के, अगर एच से एच चला जाएगा 2 से 2 चला जाएगा के से के चला जाएगा क्या बचेगा लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल टू क्या बचेगा m अल्फा अपॉन mp। ओके, तो मान लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन m है अगर, ओके तो मास ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स मास होता है 4 2 टाइम्स होता है तो मास कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, यहां पे वैल्यू रखें लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू इसकी जगह पे एम अल्फा कितना है 4m और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है
एम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 4/1। अब 4 के बाहर आ जाए, 4 बाहर आएगा तो लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फा इज इक्वल टू 2/1। तो लेमडा पी रेशियो लेमडा अल्फा इज इक्वल टू 2:1। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलरेटर थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज नियरली किसके इक्वल होगी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया 9×10⁻³¹ केजी। ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आया है नीट 2019 में, तो हम मास वगैरह ये सब नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट बी। और यहां बी कितना दे दिया गया है? 10,000 यही दिया गया है। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। ओके, तो 100 की वैल्यू यहां लिखो 12.27 अपॉन 100 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को ब्रेक करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन 10^2 × 10^-10। ये चीज ऊपर चली जाएगी तो कितना आ जाएगा? 10^-12। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1.27 × 10^-12। और देखो इतना ऑप्शन दिया है, कहां पे है, कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ये वाला नहीं दिया हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है? ऑप्शन नंबर बी, पावर कितनी है? -12। इतने मीटर, या इसको ये लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 12.2 × 10^-12 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, किसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया था? तो पहला है डेप्सन एंड जर्मन, डी ब्रोगली, हर्ट्ज या आइंस्टाइन।